हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को बड़े प्यार से सुन रहे होंगे। और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट देते हुए, प्रीवियस में हमने देखा कि हमारी जो रैना और अव्यांशी दोनों एक दूसरे की अच्छाई बुराई गिना रहे होते हैं, पुरानी भूली बिसरी यादों को याद कर रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगी में जो भूचाल आया हुआ होता है उस भूचाल को भी याद कर रहे होते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि कौन सा भूकंप आता है उनके ज़िंदगी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी रैना और जो हमारी अव्यांशी होती है वो बेहद प्यार से एक दूसरे से अपनी बातें बताते हुए, जो कि हमारी अव्यांशी होती हैं उनको अपनी गोद में बैठाई हुई होती हैं रैना को, और सारी बातें एक दूसरे से कह जा रहे होते हैं कि मुझे पता नहीं था कि इतना प्यार हो जाएगा किसी ऐसे इंसान से जिसको मैं ऐसे तो जानती नहीं थी, मगर धीरे 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 वो प्यार इतना गाढ़ा हो जाएगा। ज़िंदगी कैसे पूरी होने लगी, कैसे पूरी होती चली गई समझ ही नहीं आया, और आप मेरे ज़िंदगी के इतने ज़रूरी हिस्सा कब बन गए मुझे यकीन ही नहीं हुआ। और ऐसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं तब तक हमारी जो रना होती है उनके गोद से उठ के उनकी तरफ टर्न होती है और उनके फेस को अपने हाथों में होल्ड करती है और कहती है, पता है मैं दुनिया में अगर प्यार करना चाहूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो इंसान हमेशा आप हो। मुझे नहीं पता कि कोई कैसे प्यार करता है, मगर आपने जो अपने तरफ से प्यार मुझे फ़ील कराया है, मैं चाहती हूँ कि वही प्यार हमेशा मुझे फ़ील हो। तो बस यही है और बस इतना ही है। तो कहती हैं कि ऐसा, तो जब एक दूसरे को वो देख रहे होते हैं तो प्यार में ऐसे खो रहे होते हैं कि बस ज़िंदगी यहीं थम जाए और सांसें और ये समय। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे, मतलब एक होता ना कि खोए हुए समा, और एक होता है कि एक दूसरे से प्यार और शब्द नहीं मिल रहे हैं कि हाँ उनकी सिचुएशन को मैं पिरो सकूँ, उन वक्त को। उनका प्यार अब उस उफान पे होता है कि बस अब वो दोनों एक दूसरे में खोना चाह रहे होते हैं। यूँ इतने प्यार से एक दूसरे को देखते हुए बस वो फासले, वो दूरी, वो जितने वक्त में इन्होंने जो परेशानी झेली होती है एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे से अलग होने में, ये सारी चीज़ों को समझते और समझाते हुए, हर सिचुएशन को पार करते हुए, उनके आँखों में वो प्यार, वो खुमार एक दूसरे के लिए दिख रहा होता है। और धीरे धीरे जो हमारी अव्यांशी जो होती हैं रैना की तरफ बढ़ती हैं, उनके कमर में हाथों को फेरते हुए थोड़ा सा उनको करीब लाती हैं और अपने ओठों को उनके होठों से लगाती है। बस जैसे ही उन दोनों का एक दूसरे को स्पर्श फील होता है उनके होठों का, दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं और बस वो उस प्यार में ऐसे खोते हैं कि बस अब ऊपर ही नहीं आना, या यूँ कह लें कि बाहर ही ना आना है। उनके प्यार की जो ठंडक होती है उनको इस तरह से भिगो रही होती है कि बस अब अलग कोई ना करे, कोई लम्हा ना आए ऐसा कि उन दोनों के बीच कोई दूरी पैदा कर पाए। वो बस उस पल को जीने लगते हैं, उस पल को जीते हुए बस एक दूसरे को अपने हाथों से एक दूसरे में समेट रहे होते हैं। फिर हमारी जो अव्यांशी होती हैं उनको किस करते हुए धीरे धीरे जिस बिस्तर पे वो बैठी हुई होती हैं उनको अपने ऊपर लेते हुए
या यूँ कह लिए लिटाते हुए वो लेटती है। और वो किस ऐसा होता है कि बस इतना इतना एक दूसरे में खो चुके होते हैं कि अब अलग नहीं होना चाहते हो। ऐसा जिंदगी के उस दौर में अलग होते बढ़ते बिगड़ते रिश्तों को जैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ पिरोया होता है। अब वो बस यादें उनके आंखों के सामने उनके यादों में बस उलट पुलट हो रही होती हैं और वो एक दूसरे में खो रहे होते हैं। उनकी मोहब्बत उनकी वो कहानी कह रही होती है कि बस अब थमना नहीं है, बहते जाना है, बहते जाना है और बस बहते जाना है। हमारी अवयंशी ऐसे रैना को किस कर रही होती हैं कि अपने बाहों में ऐसे समेटना चाहती हैं कि बस 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 वो फुल स्टॉप उस किस पे अपने आप पे, या यूँ कह ले कि हर वो चीज़ हर वो अलग करने वाली चीज़ पे फुल स्टॉप लगाना चाहती हूँ। इन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए तो पता ही होता है एक दूसरे को, और ये प्यार कब खुमार बन के उनके सर पे चढ़ के बोलने लगता है धीरे धीरे। और यूं ही उस प्यार में खोते हुए उनके कपड़े भी उनके जिस्म से अलग होने लगते हैं। हमारी रना कभी अवयंशी के ऊपर कभी अवयंशी रना के ऊपर ऐसे उन दोनों का प्यार एक बार फिर, या यूँ कह लें कि उनका प्यार ऐसे ही जवा हो रहा होता है। प्यार उनके दिलों में इतना भरा हुआ होता है कि एक दूसरे पे बस उड़े ले जा रहे होते हैं, या यूँ कह ले दिखाए जा रहे होते हैं। उन दोनों के दरमियाँ अब कोई ना आए ऐसा सिचुएशन हो चुका होता है। हमारी जो अवयंशी होती हैं उनको अपने बाहों में लिए हुए और अब जो ब्लैंकेट होता है वो खींचती हैं और एक दूसरे पे डालती हैं, और उसके बाद वो उनके फोरहेड पे बड़े प्यार से किस करती हैं। फिर धीरे धीरे उनके आईज पे आती हैं, फिर धीरे धीरे उनके चिक पे, उनके चिक से अपनी नोज़ को खेलते हुए आगे बढ़ते हुए। बस अब प्यार को ना वो रोकना चाह रही होती है ना हमारी रना रोकना चाह रही होती है। एक दूसरे के लिए उनका प्यार अब बस परवान चढ़ चुका होता है, और जो कि अंजाम तक पहुंचना होता है, वो अंजाम जो वो दे रहे होते हैं इतने लंबे इंतज़ार के बाद उनके बीच जो ये लम्हा आया हुआ होता है वो काफ़ी खुशी भरा, या यूँ कह ले कि काफ़ी खुशनुमा होता है। और रैना और अवयंशी एक दूसरे को बस बेइंतहा प्यार कर रहे होते हैं। हमारी अवयंशी जो होती हैं वो फिर उनके दूसरे चिक पे किस करती हैं, फिर उनके ईयर पे किस करती हैं, और फिर उनके लिप को फिर से एक बार अपने होठों के साथ जकड़ लेती हैं, और फिर वो प्यार की मोहर लगाए जा रही होती हैं। उनका ये इस तरह से प्यार करना, अवयंशी ऐसे प्यार कर रही होती है रैना को, काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। फिर जो हमारी अवयंशी होती हैं रैना को टर्न करती हैं और उनके बैक साइड आती हैं, उनके बैक को वो एक बार देखती हैं आंखों को खोल के और अपने हाथों से छूती हैं। जैसे ही उनके हाथों का छुअन हमारी रैना को महसूस होता है उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, और जैसे उनकी आंखें बंद होती हैं हमारी अवयंशी उनके शोल्डर पे अपने लिप्स
रख देती हैं और फिर उनके लिप्स जब शोल्डर पे रखती हैं तो हमारी अव्यांशी अब उस कंडीशन में मदहोश हुए जा रही होती हैं। वो सिचुएशन ऐसा होता है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए तो बने ही होते हैं और अब उस लम्हे को एक दूसरे को बनाना चाह रहे होते हैं। उनके बैक पे वो कस करती हैं, अपने हाथों को फेरती हैं और फिर उनको फिर से एक बार अपनी तरफ टर्न करती हैं और इस बार रैना अपनी आँखों को बंद किए हुए बस महसूस कर रही होती है जो वक्त उनके साथ, जो हमारी अभ्यांश उनके साथ ये कुछ हसीन पल गुजार रही होती हैं। उनके बीच कब ये वक्त एक खुशनुमा लम्हा बन जाता है उनको पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे जो अभ्यांशी होती है उनके नेक की तरह पड़ती हैं और फिर उनके नेक पे कस करती हैं और थोड़ा सा वाइल्ड होते हुए उनके नेक पे कस करती हैं, जो कि वाइल्ड होती तो हैं, निशान भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा निशान होते हैं। हमारी जो रहना होती हैं वो बस उस लम्हे को महसूस किए जा रही होती हैं कि एक दूसरे को इतना प्यार करना चाह रहे होते, इतना 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 कि वो जो वक्त इन दोनों साथ हो के भी नहीं हुए होते, सारे एक पल में वो सारे पल को जीना चाहते हैं। और हमारी जो अव्यांशी होती हैं वैसे धीरे धीरे रैना को अपने बाहों में समेट रही होती हैं। वो उनके नेक पे किस करते हुए दूसरे साइड उनके हाथ को अपने फेस पे महसूस कर रही होती हैं, क्योंकि उतने देर में अभी तक रैना ने अपनी आंखें नहीं खोली होती है। उस वक्त सिर्फ रैना और अव्यांशी होते हैं, उस दौरान कोई नहीं होता और उस वक्त उस लम्हे में कोई नहीं होता। और फिर धीरे धीरे हमारी अव्यांशी जो होती हैं उस हदों को पार करती हैं, जिन हदों को पार करने के लिए वो इतने लम्हे, इतना वक्त, इतना समय इंतज़ार किया हुआ होते हैं एक दूसरे के लिए कि वो कब वक्त आए और वो एक दूसरे के हो जाएं। उस वक्त को वो बाखूबी जीना चाहते हैं और उस लम्हे को जीने के बाद उनकी खुशी, उनके दुख, उनके लम्हे जो होते हैं बहुत खुशनुमा बीतते हैं और फिर इनके प्यार का जो होता है अंजाम पहुंचता है। और फिर हार और थकने के बाद भाई क्या ही होगा, हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो रैना के ऊपर ही लेट जाती हैं और उनके कानों के पास अपना फेस रखती हैं और कहती हैं अव्यांशी रैना से आई लव यू। और बस इतने में ही उनकी आंखें बंद और बस हमारी जो रैना भी होती हैं ये बातें सुनती हैं और वो भी उसी वक्त सो जाती हैं। और सोने के बाद तो बस इन दोनों को एक दूसरे के बाहों में इतनी सुकून और इतनी खुशी होती है कि बस वो सोए जा रहे होते हैं और सोने के बाद ही ज़िंदगी कुछ ज़्यादा हसीन लग रही होती है। एक होता है कि इन दोनों को एक दूसरे के लिए सुकून भी होता है और दुख भी कि वो उस वक्त को पहले क्यों नहीं जिए जो वो अभी जी रहे हैं, इतना वक्त इंतज़ार क्यों किया, जब हमारे बीच प्यार था तो इंतज़ार क्यों। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानबूझ के वक्त का इंतज़ार करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वक्त हमें मौका ही नहीं देता अपना प्यार, अपना कंसर्न, अपना केयर दिखाने के लिए। वैसे ही हमारी जो
अवयंशी और रहना होती हैं, वो दिखा तो रही होती हैं, मगर ये खुशी कितने वक्त के लिए है पता नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं और इनका प्यार मुकम्मल हो जाता है। और ये दोनों सोने के बाद तो भाई बहुत प्यार से सोते हैं। फिर इधर आते हैं, इनके फैमिली में इनके दादा दादी काफ़ी परेशान होते हैं कि इनका फ़ोन ना लग रहा होता है। और इधर जो हमारी कंगना होती हैं वो इनको ढूंढे जा रही होती कि लोग कहाँ गए करके। इनको फाइनली उनका एड्रेस मिल ही जाता है कि ये लोग कहाँ गए हैं। और इधर वो आशीष को छोड़ के हमारी जो मैडम होती हैं वंशी और रैना को कंगना ढूंढ रही होती है। और उनको जब एड्रेस मिल जाता है तो वो वहाँ पे पहुँचती हैं जहाँ पे उनको नहीं पहुँचना चाहिए। वहाँ पे उनको बॉडीगार्ड रोकते हैं मगर वो नहीं मानती हैं और उनको बोलती हैं कि मैं उसकी भाभी हूँ और मुझे उससे मिलना है। और बॉडीगार्ड तब उनको जाने देते हैं। फिर हमारी जो कंगना होती हैं भाई चतुर चालाक, कुछ ज़्यादा ही शातिर औरत होती हैं, वो पहुँच जाती हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जब अवयांशी की आंखें खुलती हैं और आंखें खुलने के बाद वो खुद को जब देखती हैं तो इनको यकीन नहीं होता कि वो यहाँ कैसे। और रहना कहाँ है, और उनको ये भी याद नहीं होता जो हमारी अवयंशी होती है कि इतना सब कुछ हुआ कैसे, क्योंकि वो खुद को देखती हैं। और फिर कंगना को देखती हैं और फिर खुद को देखती हैं तो उनको समझ नहीं आता ये क्या हुआ। तब तक वो जो बाहर के कैंप में, उसके साइड में एक और कैंप होता है, उसमें रहना खुद को पाती हैं और उनकी आंखें खुलती हैं। और जैसे उन्होंने जो वक्त गुजारा होता है उन सब चीज़ों को देख के वो बहुत खुश होती हैं। और बट जब अवयंशी को खुद के पास न पाते हुए वो बाहर की तरफ निकलती हैं तो कहते हैं कि अवयंशी कहाँ चली है। उनको क्या लगता है, अब तो आगे चल के ही पता चलेगा। तो वो जब जाती हैं और उसके बगल में एक और कैंप होता है तो वो जब देखती हैं उन दोनों को उस कंडीशन में तो कहती हैं कि ये क्या हो रहा है। और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही रैना को अवयंशी देखती हैं और उसके तरफ और फिर जो हमारी कंगना होती हैं उनके तरफ तो कहते हैं कि अवयंशी बोलते हैं कि रैना मैं तुम्हें समझाती हूँ ना मैं, तो कहती कि बस कंगना तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो कहती कि मुझे अच्छे से दिख रहा है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रही हो, तो प्लीज़ जो कर रही हो ना वो मत करो, मैं बता रही हूँ तुमको। तो कहती हैं कि क्या ना करूँ। हाँ, तुम बिना बोले बिना किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं, तुम्हें पता नहीं है। तो कहती कि वो हेलो, तुम ये जो कह रही हो ना, ये इस वक्त जिसके साथ तुम हो वो मेरा मतलब मेरी शादी हुई है उससे, ठीक है, तो अभी मेरे हैं, तुम उनसे दूर रहो, ठीक है। और तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि ये जो तुम रायता क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो तुम ये पहले भी कर चुकी हो,
समझ आ रहा है? और तुम्हें ये सब करके ये लगता है कि तुम ऐसा कुछ कर लोगी, तो बिल्कुल गलत लगता है कंगना। मुझे अवेंशी पे पूरी तरह से भरोसा है कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगी, तो कृपा करके ये अपने रायते उठाएँ। वो उनके कपड़े उठाती हैं, उनके हाथों पे रखती हैं और कहती हैं कि निकल जाओ यहाँ से, दफा हो। तो ऐसे बोलती हूँ और अवेंशी बस बोलना चाह रही होती हैं, क्या बोले क्या ना बोले उनको समझ नहीं आ रहा होता है। वहाँ पे वो कहती कि तुम्हें तो मैं देख लूँगी रहना, तुम ज़्यादा उछल रही हो ना, तो ये तुम्हारा उछलना काफ़ी दिन तक नहीं रहेगा। और हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम दोनों में कुछ हुआ है, तो ऐसा नहीं है। रात को मेरे साथ वो सब हुआ जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और दोनों ही के मन में एक दूसरे के लिए शक शायद डाल पाई या नहीं, वो तो वक्त बताएगा कि उन दोनों को एक दूसरे पे शक हुआ भी या नहीं। रना जो होती हैं बड़े आश्चर्यजनक होके जो हमारी मैडम होती हैं अवेंशी की तरफ देख रही होती हैं रना, और अवेंशी सर हिलाना कोशिश कर रही होती हैं या बोलना कुछ चाह रही होती हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, ये हुआ क्या, कैसे क्या हुआ, उनको कुछ याद क्यों नहीं है। और इधर रैना को भी कुछ याद नहीं होता है और उनको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, बट साबित कैसे होगा क्योंकि वो दोनों तो अलग अलग पाए गए थे। अब दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए सवाल, क्या यह मोहब्बत है? चलिए सुनने के लिए बने रहिएगा, जानने के लिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।